बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वीओ एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में हम CS 411 विजुअल प्रोग्रामिंग की सेकंड असाइनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह के हेल्पफुल वीडियोज मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो असाइनमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी गई है, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि आपने कंसोल एप्लीकेशन बनानी है। जैसे आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट जो थी उसमें भी कंसोल एप्लीकेशन बनाने को कहा गया था। यू नीड टू डेवलप अ कंसोल एप्लीकेशन इन सी शार्प यूजिंग डेलीगेट्स एंड इवेंट हैंडलिंग। तो यहाँ पे ये आपके कंसेप्ट यूज करने हैं आप लोगों ने, जो कि प्रीवियस असाइनमेंट में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी और सिंपल असाइनमेंट थी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने टास्क प्रोवाइड किया है कि आपने डेलीगेट्स और इवेंट हैंडलिंग को किस तरह यूज करते हैं। That will display how many digits of your video ID you have added to the array list. Basically, आपने इसमें इस तरह करना है कि array list में आपने अपने student ID के digits को one by one आपने add करना है और उसके accordingly फिर आपने उसको counting करते हुए आपने सिर्फ ये show करवाना है कि आपने कितने digits को add कर लिया है अपनी इस array list के अंदर। यहाँ पे detail description को हम read करते हैं। There should be two classes. One is publisher, other is listener. वहाँ पे दो आपकी classes होंगी, ठीक है? एक आपकी क्लास जो है वो पब्लिशर होगी और दूसरी आपकी क्लास होगी लिसनर, ठीक है? तो ये अगर आपको इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोगों ने रीड आउट किया हुआ है, बल्कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस टॉपिक को लाजमी आप समझें। मैं आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इतना डिटेल के साथ आपको नहीं समझ आएगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ लिंक्स जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप कोड भी देख सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड भी इजीली कर सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग बेसिकली कैसे अकर हो रही होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये कंसेप्ट दोनों से रिलेटेड है, पब्लिशर क्लास और लिसनर क्लास हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। इन पब्लिशर क्लास डिफाइन द इवेंट अलोंग द मेथड वेयर यू विल फायर द इवेंट, ठीक है? पब्लिशर क्लास जो आपकी होगी, ठीक है, उसका नेम आप पब्लिशर रख लें, ठीक है? तो बेसिकली क्या होगा कि आपने उसको किस तरह यूज करना है, उसके अंदर एक तो आप इवेंट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है? डिफाइन द इवेंट अलॉन्ग विद द मेथड, आपने उसके साथ ही वो मेथड बनाना है जहां पे आप उस इवेंट को फायर करेंगे। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। असाइनमेंट का अगर आउटपुट देखें तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमने जब इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है तो वहां पे आप उसको समझना पड़ेगा कि हमने हर रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करनी है। कि आपने इस पब्लिशर क्लास के अंदर एक इवेंट डिफाइन करना है और साथ ही उसके एक मेथड आपने बनाना है जहां पे आप उस इवेंट को फायर करेंगे, जब भी वो इवेंट अकर होगा तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन माई अरे लिस्ट क्लास, उसने यहाँ पे एक आपकी क्लास का नेम दिया, जो आपकी पब्लिशर क्लास है उसको उसने नेम ये दे दिया माई अरे लिस्ट। तो आपका जो कोड होगा वो माई अरे लिस्ट क्लास का, उसके अंदर आपने क्या कहना है, योर अरे लिस्ट माई अरे लिस्ट शुड बी इनहेरिट फ्रॉम बिल्ट इन अरे लिस्ट क्लास। यहाँ पे आपके समझने वाली ये चीज है कि आपकी जो पब्लिशर क्लास है वो बेसिकली अरे लिस्ट क्लास से इनहेरिट होके बनेगी। ये आपकी एक और रिक्वायरमेंट है कि आपने ये जो क्लास बनानी है पब्लिशर की, जिसका नेम आप सपोज के उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ एग्जांपल के तौर पे इसने कहा है माय अरे लिस्ट रख लें, वो आपकी इनहेरिटेड क्लास होगी अरे लिस्ट की क्लास में से, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एंड डिफाइन योर इवेंट। अब हमने जो इवेंट यहाँ पे डिफाइन उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपने ये क्लास बना ली माई अरे लिस्ट के नाम से और उसको आपने इनहेरिट कर लिया अरे लिस्ट से, फिर आपने उसके अंदर ये ऊपर वाली चीज़ दोबारा डिफाइन कर रहा है कि आपने फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या करना है कि आपने आइडेंटिफाई और डिफाइन करना है इवेंट को, ठीक है? तो आपने इवेंट को डिफाइन कर लिया और साथ ही उसके बाद नेक्स्ट वही मेथड के बारे में आल्सो डिफाइन अ मेथड वेयर यू विल फायर द पार्टिकुलर इवेंट। तो ये हम चीज क्या उसके बाद करनी है। नेक्स्ट है इन पब्लिशर क्लास, फिर अभी भी पब्लिशर क्लास की बात हो रही है जिसका नेम आप कह सकते हैं कि मैं माय अरे लिस्ट रख लिया है, उसके अंदर आप क्या करेंगे ओवरराइड बेस क्लास मेथड ऐड। बेस क्लास हमारी है अरे लिस्ट, आपको पता है अरे लिस्ट का एक मेथड है जो कि बिल्ट इन उसका मेथड भी कह सकते हैं, वो क्या है जी ऐड। हम अरे लिस्ट में जब कोई भी आइटम नंबर या जो कुछ भी हमने अगर कुछ ऐड करना हो तो हम इस मेथड को यूज कर रहे होते हैं, इस तरह उसको डिलीट करने के लिए भी हम यूज करते हैं मेथड। तो ये उसका बिल्ट इन मेथड होता है, हमने इसको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है ओवरराइड करना है। किस पर्पज के लिए करना है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, टू ऐड द डिजिट्स ऑफ योर वीडियो आई डी इन टू एन अरे लिस्ट, ठीक है? तो हमने अपना स्टूडेंट आई डी जो है
वो इस अरे लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए इस मेथड को ओवरराइट करेंगे, मतलब कि हम उसको डेफिनेशन उसकी दोबारा देंगे विद सेम सिग्नेचर। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब लिसनर क्लास की बात स्टार्ट हो गई है। ये लिसनर क्लास में क्या करना है, राइट द हैंडलर इवेंट हमने, और इवेंट फायर यहाँ पे करना है वो हमने पब्लिशर क्लास में करना है। उसके बाद उसको हैंडल हम कहाँ पे करेंगे, वो हमने लिसनर क्लास के अंदर हमने हैंडल करना है। वहां पे हम इसका हैंडलर का मेथड डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, वेयर यू विल डिस्प्ले द काउंट ऑफ योर वीयू आईडी दैट इज ऑलरेडी एडेड टू द अरे लिस्ट। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये जो हैंडलर मेथड होगा हर इवेंट के अकर होने पे उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको शो करवाना है। जैसे कि यहाँ पे उसने मेथड दिया, सॉरी आउटपुट दिया हुआ है नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ योर वीयू आईडी एडिट वन। ये जो डिस्प्ले हो रहा है मेथड, ये हमारा इस हैंडलर क्लास में होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है काउंट वीयू आईडी को, जो भी नंबर या डिजिट इसमें ऐड हो रहे हैं। जी नेक्स्ट देखते हैं इन मेन मेथड। अब आ जाते हैं जी मेन मेथड में, लिसनर की क्लास बनेगी उसके अंदर एक हैंडलर का मेथड बनेगा, फिर आ जाएंगे इस मेन मेथड जो कि वो भी लिसनर क्लास के अंदर होगा। इन द मेन मेथड ऑफ योर लिसनर क्लास, तो हमने मेन मेथड किसमें बनाना है, लिसनर में बनाना है, ना कि पब्लिशर में बनाना है। नेक्स्ट आपको ये चीज समझने वाली है। अब इसमें आ जाते हैं जी, इसमें हमने सबसे पहला काम क्या करना है, रजिस्टर योर ऑलरेडी डिफाइंड इवेंट टू द हैंडलर। जी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क इसमें ये है, अब आपने इवेंट तो अपना यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, बना लिया, आपने उसको डिफाइन कर लिया किसमें, पब्लिशर क्लास में। अब आपने इस क्लास में आके के हैंडलर डिफाइन कर लिया, अब आपने मेन मेथड के अंदर उस इवेंट को उस हैंडलर के साथ रजिस्टर करना है, और वो मेन मेथड के अंदर आप उसको करेंगे। उसके बाद क्या करना है, देन कॉल एंड ओवर राइट मेथड ऑफ पब्लिशर। हमने यहाँ पे ओवर रिडन जो मेथड है हमारा, ये जो हमने यहाँ पे बात की थी पब्लिशर क्लास के अंदर, एड का जो मेथड है जो कि बेसिकली अरे लिस्ट क्लास का बिल्ट इन जो क्लास है उसका मेथड है, उसको हमने ओवर राइट किया था, उसको फिर हम कॉल करेंगे किस पर्पज के लिए, अपना स्टूडेंट आई डी एड करने के लिए अरे लिस्ट में। योर हैंडलर शुड डिस्प्ले द काउंट आफ्टर एवरी एडिशन टू द अरे लिस्ट। जैसे जैसे हम नंबर उसमें ऐड करेंगे वो आप उसके लिए लूप लगाएंगे। उसमें दो ऑप्शन है, या तो आप उस ऐड मेथड को कॉल जहां पे करना है लूप लगा के कॉल कर लें, ठीक है, कि आप एक लूप लगाएं आपके जितने भी डिजिट्स हैं आपके उस स्टूडेंट आईडी जो आप ऐड करने जा रहे हैं उस काउंट के अकॉर्डिंग आप उस पर लूप लगाएं, और उस लूप के अंदर आप फिर वन बाई वन कॉल करें इस ऐड मेथड को। या सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप ऐड मेथड को अपना आईडी पास करें, एंड देन वहां पे आप क्या करें कि वहां पे आप उसको वन बाई वन डिजिट्स ऐड करते हैं और इवेंट को वहां पे आप फायर करें, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपका हैंडलर जो है वो नंबर डिस्प्ले करता जाएगा कितने आपके इवेंट्स अगर हो चुके हैं, या आप ये कह लें कि आपके कितने आईडी सॉरी डिजिट्स जो हैं वो स्टूडेंट आईडी के ऐड हो चुके हैं। जी नेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि रिमेम्बर योर इवेंट शुड बी फायर्ड एवरी टाइम और यू ऐड अ डिजिट इनटू एन अरे लिस्ट। जैसे ही आप अरे लिस्ट में कोई डिजिट ऐड करें आपका इवेंट जो है वो फायर होना चाहिए। यही चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि आपका जो मेथड होगा जब हमने इसको ओवरराइट किया, ये इसी के साथ चीज जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऐड मेथड के अंदर जहाँ पे आप इसको ओवरराइट करेंगे वहीं पे आप इवेंट को भी फायर कर रहे होंगे। जैसे ही ऐड मेथड कॉल होगा, और ऐड मेथड कॉल होने पे उसमें आप एक तो काम क्या करेंगे, आप उसमें सेव करेंगे अपना डिजिट, ऐड करेंगे अरे लिस्ट में, और साथ ही आप उस इवेंट को फायर कर देंगे। जी लास्ट वन, इन दिस प्रोग्राम यू विल यूज द बिल्ट इन अरे लिस्ट क्लास, जो कि यहाँ ऊपर भी बता दिया गया था कि बिल्ट इन आपने अरे लिस्ट क्लास को यूज करना है, और उसके लिए आपको ये लाइब्रेरी फाइल जो है ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जी अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें जो सैंपल आउटपुट दिया गया है वो ये है, रिक्वायर्ड आउटपुट योर आउटपुट शुड बी लाइक दिस। ये इस तरह का आपका आउटपुट आना चाहिए जिसमें जितने नंबर आपके ऐड हो, आपका जो वी यू आई डी है उसमें टोटल 9 डिजिट्स होते हैं, स्टार्ट में बी सी एम सी जो भी आपका वो अकॉर्डिंग टू आपके स्टडी प्रोग्राम आपका लिखा होता है, उसके बाद आपके 9 डिजिट्स होते हैं। तो वो फुल आईडी मेरे ख्याल जब इंटर होगा तो आपको वहां से 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग शो हो जाएगी। जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू रिमेम्बर दैट यू मस्ट यूज योर वी यू आई डी एज इनपुट इन दिस प्रोग्राम।
तो आपने अपना VU ID यूज करना है अपने इस प्रोग्राम में इनपुट के तौर पे। जो आप आईडी अपना इनपुट करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपको इसकी सबमिशन की डिटेल है। मेरा ख्याल है कि फर्स्ट असाइनमेंट में आप लोग अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें भी यही दो चीजें रिक्वायर्ड थी, बल्कि उसमें गिफ्ट फाइल रिक्वायर्ड थी। इसमें सिंपल स्क्रीनशॉट रिक्वायर किया गया है। एक तो .C# फाइल जो है, .C# लिखा हुआ है, हालांकि ये .CS होगा, ये फाइल की एक्सटेंशन ही होती है। तो कोड फाइल जो आपकी है वो आप सबमिट करेंगे, उसका नेम आप अपना VU ID के नेम से रखेंगे। सेकेंड वन जो है आप स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे आउटपुट का। तो चलिए अब हम जो सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उसको रन करके उसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। जी ये देखिए, मैंने जैसे ही इसको रन किया है तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक डिजिट शो हो रहे हैं, और साथ ही ये मैंने एक्स्ट्रा शो करवा दिया, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मैंने ये अपना ID यहाँ पे एंटर किया, 09040235, ठीक है। तो ये मैंने जब ID एंटर किया है तो ये 1 by 1 डिजिट्स ऐड हुए हैं, 9 डिजिट्स हैं टोटल। तो ये 1 से लेकर 9 तक उसने जो है इसको सीक्वेंस को शो कर दिया है। ये जैसे जैसे एक एक डिजिट ऐड होता था वो इवेंट फायर होता था, उसके अकॉर्डिंगली वो शो कर देता था। तो यहाँ पे अगर मैं अपना ID चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसमें इंटर कर देता हूँ जी 1704025 1, डिजिट्स को मैंने कम कर दी है, ID भी चेंज कर दिया है। तो अब मैं इसको जो है वो रन करता हूँ। देखिए अब 8 डिजिट यहाँ पे ऐड हुए हैं, 1704025 1, ठीक है। और ये 1 से लेकर 8 तक उसने काउंटिंग की है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे उसने काउंटिंग शो करनी, जैसे ही एक ना डिजिट आपका उसमें ऐड होगा उसके अकॉर्डिंगली वो कहेगा कि इतने डिजिट ऐड हो गए, इतने डिजिट ऐड हो गए, एंड सो ऑन। तो ये हमारी भी असाइनमेंट का जो आउटपुट है सेम इसी तरह आ रहा है। ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को कर दिया है। तो ये स्टूडेंट, ये आपकी असाइनमेंट का मैंने सॉल्यूशन के बारे में कुछ आप लोगों को गाइडलाइंस और इसको एक्सप्लेन किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को मैं मजीद गाइड करूंगा कि आप इसको किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप इजीली अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।